हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट डू एनिमल्स ईट, यानी कि जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो क्या खाते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ? क्या आपका कोई ऐसा पेट है, कोई जानवर है, पालतू जानवर जिसे आप पालते हो? अ डॉग, कैट, बफेलो और अ गोट, कोई कुत्ता, बिल्ली, भैंस या फिर बकरी? यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल्स ईट, या फिर आपको, अगर आप पालते हो तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि वो क्या खाते हैं। भाई, अगर आपने जानवर पाला है, कोई पेट पाला है, तो डेफिनेटली आप उसे खाने को भी दे रहे हो, है ना? और खाने को वही दोगे जो वो खाएगा। तो इसका मतलब आप अगर पालते हो तो आपको एक्सपीरियंस है, आपको पता है कि वो क्या खाता है। ओके, बट वट अबाउट अदर एनिमल्स? लेकिन अगर इन पालतू जानवरों को छोड़ के हम बाकियों के बारे में सोचें तो वो क्या खाते हैं? ओके, हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट अ स्क्विरल, पिजन, लिजर्ड और अ स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड? क्या आप कभी आपने नोटिस करा, ऑब्जर्व करा कि जो स्क्विरल होती है, गिलहरी होती हैं, कबूतर होते हैं, छिपकलियाँ होती हैं, या छोटे कीड़े मकोड़े, स्मॉल इंसेक्ट जो होते हैं, वो क्या खाते हैं? क्योंकि इन्हें तो हम पालते नहीं हैं, तो हमें इसका आइडिया नहीं होता है ना? तो कभी आपने ऑब्जर्व करा कि ये खाते क्या हैं? तो चलिए एक एक्टिविटी प्लान करते हैं। ओके, देखिए एक्टिविटी सिक्स आपकी क्या है। सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5। फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे ईट इज आल्सो गिवन। फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको एक टेबल गिवन है 1.5 में, और आपको क्या करना है, ये देखना है कि वो क्या खाते हैं बेसिकली। ओके, कुछ के तो गिवन है, कुछ आपको खुद से करने हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बफेलो। तो बफेलो क्या खाता है आपका? ग्रास, ऑयल केक है, ग्रेन्स, है ना? क्या खाता है? प्लांट्स खाता है, घास खाता है ना? या फिर आप क्या करते हो, अनाज उसे देते हो, घर का बचा हुआ खाना है, उसके लिए खाना देते हो। ओके, सेम गोज फॉर काउ। काउ भी आपका यही खाती है। बट इफ यू टॉक अबाउट कैट, अगर हम बिल्ली की बात करें, तो बिल्ली क्या खाती है? स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, मिल्क। देखिए, वैसे तो फेवरेट जो है बिल्ली का, वो दूध होता है, मिल्क होता है, ठीक? और साथ में बिल्ली और क्या खाती है, स्मॉल एनिमल्स को भी। आपने देखा होगा घर में चूहे बहुत ज्यादा होते हैं, तो बिल्लियां पाली जाती हैं, है ना? तो ये एनिमल्स को भी खाती हैं, बर्ड्स को खा जाती हैं कई बार, ठीक है? रैट की बात करें तो रैट तो घर का सब कुछ खा जाता है, इवन खाना तो खाता ही है, साथ में घर के जो आइटम होते हैं, आपने नोटिस किया होगा, रबड़ का खा जाता है, घर का सामान, कपड़े जो है उन्हें काट देता है। ओके, व्हाट अबाउट लॉयन? लॉयन जो है आपका क्या खाता है? मीट खाता है। एंड सेम गोज फॉर टाइगर। तो ये जो जंगली जानवर हैं, लायन, टाइगर, ये क्या खाते हैं? मीट खाते हैं। इस तरीके से जितने यहाँ पे आपको ये बाकी एनिमल के नाम दिए गए हैं, ह्यूमन बीइंग को भी आप क्या करते हो, एनिमल में ही कंसिडर करते हो। ओके, तो जितने भी ये आपको एनिमल गिवन हैं, आपको क्या करना है, इसमें लिखना है फूड द एनिमल ईट्स, यानी जो जो आइटम, फूड आइटम ये लोग खाते हैं, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ये थी आपकी एक्टिविटी सिक्स। ओके, चलिए व्हाट अबाउट नेक्स्ट एक्टिविटी? चलिए नाउ वी विल लर्न अबाउट एक्टिविटी सेवन। देखते हैं क्या है नेक्स्ट एक्टिविटी और इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हियर एज फॉलोज। दोबारा से हम क्या करते हैं 1.5 में, एक बार क्या करते हैं, एक 1.5 को कंसीडर करते हैं, इसी सेम टेबल को हम देखेंगे, लेकिन इस बार कुछ और करेंगे। क्या करेंगे, इन्हें कुछ ग्रुप्स में बांटेंगे। ओके, चलिए अब वो ग्रुप्स क्या हैं, किस ग्रुप्स में हमें इन एनिमल्स को बांटना है वो देखते हैं। प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट इन ग्रुप वन। अब ऐसे एनिमल जो केवल प्लांट खा रहे हैं या फिर जो हरा भरा सब्जियां खा रहे हैं, उनको हम क्या रखेंगे, ग्रुप वन में रखेंगे। और उनको कहा जाता है, देखिए, दीज आर कॉल्ड हार्बीवोर्स, है ना? जो आपके ऐसे एनिमल हैं जो केवल प्लांट पे डिपेंड करते हैं, हरा भरा साग सब्जियां खाते हैं, एनिमल मीट कुछ भी नहीं खाते, है ना? तो उन्हें कहा जाता है हार्बीवोर्स। ठीक, तो इनमें से आप जो जो आपको लग रहा है कि प्लांट केवल खाते हैं, उनको किसमें रखिए, हार्बीवोर्स में। अच्छा, उसके बाद आइए, देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स। अब कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अदर एनिमल्स को खाते हैं, यानी जो मीट खाते हैं, तो केवल जो मीट पे डिपेंड करते हैं उनको आप कहाँ रखोगे, कार्निवोर्स में। किसमें, कार्निवोर्स। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। तो देखिए, जो शाकाहारी है उनको कहा जा रहा है हार्बीवोर्स, और जो मांसाहारी है उनको क्या कहा जा रहा है, कार्निवोर्स। ठीक है, जो आप कह देते हो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। चलिए,
डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स? देखिए कुछ ऐसे भी होते हैं जो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं, तो उनको कहाँ रखोगे आप? उनको रखोगे थर्ड ग्रुप में, दैट इज ओमनिवोर्स। ठीक है, तो जो केवल प्लांट खाते हैं वो हार्निवोर्स, जो केवल मीट खाते हैं कार्निवोर्स, और जो दोनों खाते हैं उनको रखोगे ओमनिवोर्स में। ओके, तो अब क्या करना है हमें इसके बेसिस पे यहाँ पे टेबल बनानी है। जैसे देखिए हार्वीवोर्स में इनमें से किसको रखोगे? देखिए हार्वीवोर्स कौन है? बफेलो। केवल आपका क्या खाता है? प्लांट खाता है ना? काओ, ठीक है, काओ भी आपका क्या खाती है? केवल प्लांट खाती है। इस तरीके से आप कार्निवोर्स में क्या रखोगे? जैसे लॉयन है, टाइगर है, ये क्या खाते हैं? मीट खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप रख लीजिएगा। अब ओमनिवोर्स में क्या रखोगे? जो दोनों खाते हैं, प्लांट भी और एनिमल में। लाइक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है डॉग। डॉग आपने देखा होगा घर का खाना भी खाता है, रोटी सब्जी भी, रोटी भी खाता है बेसिकली, चावल खाता है, साथ में मीट भी खाता है। ओके, तो ये आप क्या कर सकते हो? डॉग को ओमनिवोर्स में रख सकते हो। चलिए इस तरीके से आप क्या कीजिएगा, लिस्ट को प्रिपेयर कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, पहेली वॉन्ट्स टू नो वेर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स वाइल फिलिंग टेबल। अच्छा मुझे बताइए, पहेली जानना चाह रही है कि आप जो है ह्यूमन बींग, जो इंसान होते हैं, इनको कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? देखिए इंसान दोनों तरीके का खाता है, प्लांट भी खाता है और मीट भी खाता है, तो उसको कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा? ओमनिवोर्स में रखा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वी नो दैट देयर आर मैनी अमंगस्ट अस हु डू नॉट गेट सफिशियंट फूड। देखिए हमको ये भी पता है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको सफिशियंट खाना नहीं मिल पाता है। ओके, वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी ग्रोन इन द कंट्री। तो इसलिए हमको ऐसे कुछ तरीके ढूंढने होंगे जिससे क्या हो, हमारे देश में खाना ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, ग्रो किया जा सके। दैट विल नॉट बी इनफ, लेकिन ये केवल काफ़ी नहीं होगा। We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each and every one of us. साथ में हमें ये भी कोशिश करनी होगी कि जितने जरूरतमंद लोग हैं, हर किसी को क्या मिल सके, खाना पूरा प्रॉपर मिल सके, सफिशियंट मिल सके। ओके, क्योंकि देखिए हमें पता है हमारे देश में गरीबी कुछ हद तक गरीबी है जिससे कि सबको प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता है। तो हमें ऐसे तरीके ढूंढने हैं जिससे क्या हो, हमारे देश में खाना खूब सारा हो और सब तक पहुँच सके। ओके, तो ये था आपका चैप्टर वन। अब इसमें हमने कुछ कीवर्ड्स पढ़े हैं, देखते हैं कीवर्ड्स क्या हैं। पहला है इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? इंग्रेडिएंट्स मतलब कंपोनेंट्स, है ना, मैंने आपको समझाया था। क्या कह सकते हो इसे? सामग्री। लाइक अगर मैं बात करूं कि चावल बनने में कौन से इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, आपको समझाया था पहले, तो चावल बनने में क्या क्या सामग्री लग रही है, दैट इज कॉल्ड इंग्रेडिएंट। तो इंग्रेडिएंट मतलब चावल बनने में एक तो राइस लगेंगे और क्या लगेगा? पानी लगेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप उन्हें क्या कहोगे? इंग्रेडिएंट्स कहोगे। सेकंड है इडेबल। इडेबल मतलब मैंने आपको कहा था ईटेबल, जिनको खाया जा सकता है। ओके, थर्ड इज नेक्टर। नेक्टर क्या होता है? फ्लावर्स का जो जूस होता है। स्प्राउटेड सीड्स। स्प्राउटेड सीड्स क्या होते हैं? अंकुरित बीज बेसिकली। ठीक है, हार्वीवोर। हार्वीवोर क्या होते हैं? शाकाहारी। कार्निवोर मांसाहारी, और ओमनिवोर जो क्या करते हैं? दोनों खाते हैं, यानी कि जो मांस भी खाते हैं और साग सब्जियां भी खाते हैं, हरी भरी सब्जियां भी खाते हैं। ओके, चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए समरी क्या गिवन है। देखिए देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड इटन इन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। तो हमने क्या देखिए क्या पता चला हमें, हम नॉर्मली देखते हैं कि इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट रीजन में अलग अलग वेराइटी का फूड खाया जाता है। ये मैंने आपको पहले टॉपिक में भी क्लियर किया था। आप नॉर्थ में अगर हम लोग देखें तो हम लोगों का खाना अलग है कंपेटिवली साउथ के। अगर आप साउथ जाओगे, है ना, बैंगलोर जाओगे, या फिर आप क्या करोगे साउथ स्टेट में जाओगे लाइक केरला जाओगे, तो वहाँ पे खाना बहुत अलग है। वहाँ पे इडली डोसा खाया जाता है और हम लोग क्या खाते हैं ज़्यादातर, हम सब्जी रोटी ज़्यादा खाते हैं। तो स्टेट वाइज स्टेट है, पंजाब का थोड़ा अलग खाना है, हरियाणा का थोड़ा अलग खाना है। ठीक है, द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल। और हमने क्या सीखा कि जो मेन सोर्स है फूड के वो दो हैं, कौन से हैं? या तो प्लांट हैं या फिर एनिमल है। कुछ खाना हमें मीट के फॉर्मेट में मिलता है, ठीक, कुछ खाना हमें प्लांट से मिलता है, फिर कुछ खाना हमें एनिमल प्रोवाइड भी कराते हैं। एक तो मीट मिलता है एनिमल से, दूसरा क्या मिलता है, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं वो सब कौन प्रोवाइड कराते हैं? एनिमल। ओके, चलिए, एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हार्वीवोर्स। ये मैंने आपको बताया, जो एनिमल केवल क्या खाते हैं, प्लांट खाते हैं, उन्हें कहा जाता है हार्वीवोर्स। जो एनिमल आपका
ईट मीट खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनको कहा जाता है कार्निवोर्स, और जो दोनों को खाते हैं उनको क्या कहा जाता है ओमनिवोर्स। ओके चलिए, इसके बाद आपको यहाँ पे एक्सरसाइज गिवन है जो आपको खुद से सॉल्व करने हैं। ओके थैंक यू। थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको एक्सरसाइज बता देता हूँ, बाकी जो है आप लोग खुद से कीजिएगा। ओके चलिए, एक्सरसाइज वैसे आप लोगों को खुद से करनी है लेकिन थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। पहला है, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? क्या आपको लगता है कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको सेम काइंड ऑफ फूड की जरूरत है? बताइए। नहीं, देखिए क्यों, क्योंकि कैटेगरी में हम ऑलरेडी बांट चुके हैं, कुछ को खाने के लिए प्लांट्स चाहिए, कुछ को क्या चाहिए मीट चाहिए, कुछ को दोनों चाहिए, है ना। तो सारे के सारे जो लिविंग बींग्स होते हैं उनको सेम काइंड ऑफ फूड की जरूरत नहीं होती है, सबको अपने अकॉर्डिंग अलग अलग खाना चाहिए होता है। ओके चलिए, इसे एक्सप्लेन आप अच्छे से कीजिएगा। ठीक, तो इसका आंसर बेसिकली है, डू यू फाइंड द ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? नो, नॉट एट ऑल। ओके नेक्स्ट है, नेम फाइव प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। अच्छा, पांच ऐसे प्लांट्स के नाम बताइए और साथ में उनके कुछ पार्ट्स के नाम बताइए जिन्हें हम खाते हैं। ठीक है, तो चलिए आप देखिए, आप वेजिटेबल से स्टार्ट कीजिए, है ना। तो अगर मैं बात करूं कैरेट की, ठीक है, तो कैरेट का आप क्या खाते हो, पत्ते खाते हो या फिर रूट वाला पार्ट खाते हो, या फ्रूट वाला जो बेसिकली पार्ट होता है ना। तो आप क्या खाते हो, उसके पत्तों को नहीं खाया जाता है, उसका जो रूट वाला पार्ट होता है मेन जो कैरेट होता है उसको खाया जाता है। ओके अच्छा, अगर मैं बात करूं मैंगो ट्री की, तो मैंगो ट्री का आप क्या खाते हो, पत्ते खाते हो, नहीं आप उसका फ्रूट खाते हो, है ना। तो इस तरीके से आपको पांच के नाम बताने हैं। ओके ब्रिंजल है, तो ब्रिंजल का आप क्या खाते हो, फ्रूट खाते हो, हम लीव्स को नहीं खाते हैं। ऐसे सेम अगर मैं बात करूं मस्टर्ड की, तो मस्टर्ड का क्या खाया जाता है, उसके लीव्स भी खाई जाती हैं, साथ में उसका सीड जो होता है ना, सीड का क्या बनता है, मस्टर्ड ऑयल बनता है। ओके इसी तरीके से आपका बनाना है, तो बनाना का क्या है, फ्रूट खाया जाता है। ठीक चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम ए विथ दैट इन कॉलम बी। चलिए, कॉलम ए एंड कॉलम बी हमको क्या करना है, मैच करना है। पहला है मिल्क कर्ड पनीर घी, तो इसमें से देखिए क्या है, ये चारों के चारों डेयरी प्रोडक्ट्स हैं आपके, राइट, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। तो देखिए मिला के देखते हैं क्या है ये, ईट अदर एनिमल्स नहीं, ईट प्लांट्स नहीं, आर वेजिटेबल्स नहीं, आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स। ये जो जितने डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं हमें किससे मिलते हैं, एनिमल्स से मिलते हैं। ओके तो लिखिए आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स, ठीक है, पहले का आंसर। सेकंड में आइए आप, यहाँ पे स्पिनच होता है, कॉलीफ्लावर है, कैरेट है, ये सब के सब आपके क्या है, देखिए यहाँ से आप मिलाइए, दे ऑल आर वेजिटेबल्स। तो सेकंड क्या है आपका, आर वेजिटेबल्स, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं। ठीक है, पालक होता है आपका, गोभी होती है और गाजर होता है, तो ये क्या है, वेजिटेबल्स हैं। ठीक है, लायन एंड टाइगर्स, तो ये क्या है आपके, ईट अदर एनिमल्स, ये क्या होते हैं आपके, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। ओके और लास्ट है आपका हार्बीवोर्स, हार्बीवोर्स क्या होते हैं, हार्बीवोर्स ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, तो इसका कौन सा होगा, बी वाला। ओके चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए, टाइगर इज अ, क्या आएगा इसमें से, बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट, तो जो केवल मीट को खाता है उसको क्या कहते हैं, कार्निवोर कहते हैं, तो टाइगर इज अ कार्निवोर। ओके चलिए, डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इट्स कॉल्ड, जो डियर होता है आपका, हिरन होता है, वो केवल क्या खाता है, प्लांट प्रोडक्ट खाता है, तो उसको क्या कहा जाएगा, जो केवल प्लांट प्रोडक्ट खाता है उसको कहेंगे हार्बीवोर। ओके चलिए, नेक्स्ट पे आइए, पैरट ईट्स ओनली, क्या खाता है पैरट, इनमें से केवल केवल प्लांट खाता है, पैरट मीट नहीं खाता है, प्लांट प्रोडक्ट्स। फोर्थ पे आइए, द डैश दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउज बफेलोज एंड गोट्स इज एन एनिमल प्रोडक्ट, तो क्या पीते हैं हम इन जानवरों से, दूध, मिल्क, ठीक है। और लास्ट है, वी गेट शुगर फ्रॉम, कहाँ से मिलता है शुगर हमें, शुगर केन से, चीनी कहाँ से आती है,
गन्ने से बेसिकली, ठीक है? तो वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन। तो ये था आपका पहला चैप्टर।